हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंजिनियर सुमन। तो दोस्तों, बहुत सारे कंप्लेंट हमको ये मिलते हैं कि हमारी बैटरी नहीं है या हमारी बैटरी अच्छी है, इसके बाद भी लो बैटरी दिखाती है जबकि चार्जिंग भी फुल होती है। तो दोस्तों, बहुत सारा ऐसा होता है कि ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है, और कुछ जगह पर जैसे वास्तविकता में ऐसा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बैटरी पुरानी होने के चलते वो बैटरी पहले ही लो बैटरी दिखा देती है और वो समझते हैं कि बैटरी ठीक है, इन्वर्टर ख़राब है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे में ऐसे होते हैं कि जो प्रॉब्लम वास्तविक में होते हैं और उन्हें हम कैसे ठीक करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको ये देखना होगा कि आपकी बैटरी पूरी 12 वोल्ट है कि नहीं। अगर पूरी 12 वोल्ट है, इसके बाद भी अगर इन्वर्टर पे आपकी 12 वोल्ट दिखा रही है, तो मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर डायग्राम में आप समझ जाइएगा तो आप किसी भी इन्वर्टर को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि डायग्राम में बैटरी और की उसकी सप्लाई दी गई है। यहाँ पर जो निगेटिव बैटरी की सप्लाई है वो सीधे आपकी ग्राउंड में चली गई है, यानी कि पीसीबी की ग्राउंड में, और जो पॉजिटिव सप्लाई है वो आपको देखिए एक जो जैक है उस जैक के बाद में आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव जैक है उसके बाद में दो डायोड लगे हैं। एक डायोड आपको जो है 7805 में यानी 5 वोल्ट सप्लाई में चली जाती है, जबकि एक सप्लाई आपको ये देख सकते हैं कि जो सप्लाई जा रही है इसके रास्ते में दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 81 के एक 1 के, और डायोड के बाद सीधे पिन नंबर 3 माइक्रो प्रोसेसर आईसी की पिन नंबर 3 पे वोल्ट चली जाती है, जिससे वहीं से माइक्रो प्रोसेसर जो आईसी है वो कंट्रोल करती है सप्लाई को, और उस सप्लाई को देखती है कि वोल्टेज कम है या ज़्यादा है, उसके अनुसार वो आउटपुट देती है। यानी कि माइक्रो प्रोसेसर आईसी की पिन नंबर 3 पर अगर 3.6 वोल्ट से कम आएगी किसी भी कारण से, तो वो उसे लो बैटरी इंडिकेट करने लगेगी। और आप ये देख सकते हैं कि अगर उससे ज़्यादा आएगी, यानी कि 4.2 वोल्ट या 3 वोल्ट से अगर ज़्यादा आ रही है, तो दिखा देगी कि बैटरी फुल चार्ज है। और दोस्तों, पिन नंबर 3 ही ऐसा है जिससे चार्जिंग और लो बैटरी दोनों ही कंट्रोल होते हैं। तो जो कि पुरानी वाली जो मॉडल है, ये आप देख सकते हैं कि ये पुरानी वाली मॉडल की डायग्राम है, इसमें आपको सीधे डायरेक्ट सप्लाई दे दी गई है, जबकि नई वाली मॉडल में आप देख सकते हैं कि उसमें क्या होता है कि एक ब्लू रंग की प्रीसेट, जिसे मैंने अभी ट्यून करके दिखाया था, वो ब्लू रंग की जो प्रीसेट है उसको आप ट्यून कर सकते हैं, क्योंकि प्रीसेट है मौसम के अनुसार ये वैल्यू उसकी चेंज हो जाती है, और जब वो चेंज हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि कभी वैल्यू कम या कभी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जिससे कभी लो बैटरी दिखाएगा या फिर कभी फुल चार्ज दिखाएगा। तो आपको उसको ऐसे एडजस्टमेंट करना है कि आपके पिन नंबर 3 पर लगभग आपको 3.3 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए, लगभग 3.6 वोल्ट के आसपास में, न उससे ज़्यादा न उससे कम। अगर उससे कम होगी तो आपको बैटरी फुल चार्ज होने के बावजूद भी आपको वो दिखाएगी कि बैटरी लो है, और अगर अगर 4.3 वोल्ट से ऊपर हो जाती है दोस्तों, तो वो आपको बैटरी फुल चार्ज दिखाई देगी, बैटरी लो की तो प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन आपको बैटरी चार्ज नहीं करेगी। अगर लो बैटरी दिखाती है, इंडिकेटर दिखाती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिकेटर के द्वारा हाईलाइट मैंने किया है, वो वहाँ पर इंडिकेट दिखाती है। अगर आपकी पिन नंबर 3 पर 3.4 वोल्ट से ऊपर आती है और आप ट्यून करने पर भी आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, यानी ट्यून करने पर भी वहाँ पर 3.4 वोल्ट से ऊपर नहीं आती है या उससे नीचे ही रहती है, तो आप जो ये देख रहे हैं, जो मैं प्रीसेट मिला रहा हूँ, इस प्रीसेट को चेंज करके इसे आप मिला दीजिएगा, इसके ट्यून कर दीजिएगा, लगभग इसके ट्यून जो है वो आपको 3.4 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए। इस तरह अगर नहीं कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम ज्यों का त्यों रहेगा, और अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है तो उसे आप डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उसे ट्यून कर दिया और बिल्कुल ये परफेक्ट हो गई है, तो उसमें और कुछ नहीं करना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि
आपकी बैटरी बिल्कुल सही होती है और इन्वर्टर भी सही होता है, लेकिन उसमें लगे हुए जो आप देख सकते हैं कि जो मेन डीसी वायर जो सप्लाई देते हैं उसमें एक चांद लगा होता है, उस चांद पे कार्बन लग जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको सफाई नहीं करते हैं और वहाँ से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। और आजकल जो कंपनी अल्मीनियम की दे रही है, अल्मीनियम वायर और अल्मीनियम चांद, उसमें क्या होता है कि अंदर ही अंदर चांद के अंदर कार्बन लग जाती है और यहाँ से ये प्रॉब्लम होने लगती है। ये प्रॉब्लम भी उस कारण से भी आ सकती है, यानी कि अगर कार्बन कहीं भी लग जाए तो आपको ये लो बैटरी की प्रॉब्लम दिखेगी। वैसे दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? तो इसके अलावा एक और चीज़, अगर साइन वेव में आती है प्रॉब्लम लो बैटरी की तो इसे सॉल्व करें, आती है और बैटरी फुल चार्ज होने पर भी आपकी बैटरी लो दिखाती है, तो दोस्तों आप ये स्टेप कीजिए और आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी साइन वेव इन्वर्टर हो माइक्रोटेक की, उसमें आप देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की हीट सिंक पर लगी हुई होती है एक, और हीट सिंक के बाद आप देख सकते हैं कि एसएमडी हो या चाहे जो कोई भी, उसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हीट सिंक के बाद एक डायोड लगी हुई होती है ताकि वो आपको सप्लाई जाकर दे, रेगुलेटर पर देती है, और साथ में आपको एक डायोड के माध्यम से आपको पिन नंबर 5 यानी प्रोग्रामिंग आईसी की पिन नंबर 5 पर लो वोल्टेज इंडिकेशन के लिए जो सिग्नल देती है आप वहाँ पर चेक कर लेना है 3.7 वोल्ट। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर 3.7 वोल्ट मिलनी चाहिए, जैसे कि स्क्वायर वेव में पिन नंबर 3 पर मिलती थी, उस तरह यहाँ पर पिन नंबर 5 पर मिलेगी। अगर पिन नंबर 5 पर आपकी वोल्ट जो है नहीं मिल रही है, कम या ज़्यादा मिल रही है, तो आपको निम्न स्टेप आपको चेक करने होंगे। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपकी बैटरी चार्ज है या नहीं। अगर बैटरी आपकी चार्ज नहीं होगी, कम चार्ज होगी, तो भी लो बैटरी दिखाएगी। अगर आपकी 12 वोल्ट बैटरी चार्ज है और इसके बाद भी बिना लोड पर आपकी लो बैटरी दिखाती है, तो आपको करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पिन नंबर 5 पर आपको वोल्टेज माप लेनी है। अगर पिन नंबर 5 पर 3.7 वोल्ट से कम आती है तो आपको लो बैटरी दिखाएगी। तो उसके लिए करना क्या होगा, हीट सिंक के पास से एक डायोड गया है जिसे मैं आपको इंडिकेट करके दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से जो डायोड है एसएमडी डायोड है या फिर जनरल इन्वर्टर में से आपको जनरल डायोड मिल जाएगी, वो डायोड से 12 वोल्ट यानी उसकी हीट सिंक से कनेक्ट होती है, प्रिंट होती है, वो प्रिंट 12 वोल्ट आपको उस वहाँ से मिलती है, और 12 वोल्ट को 1 के रेजिस्टेंस से सीरीज होकर 51 के रेजिस्टेंस से सीरीज होती है और सीधे पिन नंबर 5 पर चली आती है। अगर दोस्तों पिन नंबर 5 पर वोल्ट नहीं मिलेंगे तो उसके दो कारण हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, तो और वो दोनों रेजिस्टेंस की या तो कोई ओपन हो गई होगी या फिर किसी की वैल्यू चेंज हुई होगी, लेकिन अधिकांश आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो होती है वो ओपन ही हो जाती है, और ओपन होने से क्या होगा कि आपकी जो पिन नंबर 5 पर जो है वो वोल्ट नहीं मिल पाती है, और वोल्ट नहीं मिलने से होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पर आपको जब वोल्टेज नहीं मिलेगी तो आपको प्रोग्रामिंग ऐसी लो बैटरी की सिग्नल इंडिकेट करेगी और आपका इन्वर्टर चालू नहीं होगा, सप्लाई नहीं देगा, तो जिससे ऑसिलेटर बनेगा नहीं तो सप्लाई मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायोड से आपको सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है 1K का, उसका जो कोड है आप देख सकते हैं कि 1K का जो रेजिस्टेंस है उसका कोड R36 है, जबकि R56 जो है 51 किलो का रेजिस्टेंस है, और 51K का रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू चेंज हो जाए तो भी आपको लो बैटरी का सिग्नल देगा, साथ में आपकी चार्जिंग के समय भी प्रॉब्लम करेगी। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर R56 लिखा होगा कोड में, वहाँ पर आप R56 देख सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को आप एक पिन निकाल कर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस ओपन है या फिर क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको मैं कहूँगा कि आप सबसे पहले उसकी वैल्यू वोल्ट से ही माप लें, सबसे बढ़िया रहेगा,
क्योंकि अगर एक बार आप रेजिस्टेंस निकालते हैं लगाते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ये दो रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद भी प्रोग्रामिंग आईसी के पिन नंबर 5 पर आपको 3.7 वोल्ट नहीं पहुंच रहे हैं, तब समझ जाइए कि अब आपकी जो है डायोड जो है वो ख़राब है, उसे चेंज कर दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर पिन नंबर 5 पर वोल्ट पहुंच रही है फिर भी लो बटन दिखाती है तो समझिए कि आपकी प्रोग्रामिंग आईसी ख़राब है और उसे फिर आपको बोर्ड बदलना पड़ेगा या फिर प्रोग्रामिंग आईसी चेंज करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चाहें तो माइक्रोटेक की और भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं।